हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम शानगढ़। तो कल शाम को हम लोग 6:30-7 बजे तक शानगढ़ आ चुके थे, और अगर हम थोड़ा कोशिश ना करते ना तो हमें ये ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी ना मिलती। तो सारे पीछे रुके हुए थे, मैं भी पीछे रुका हुआ था, होटल्स ढूंढ रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो आगे जाके देखा जाए। तो मैं आगे आया तो मुझे ये खूबसूरत सी प्रॉपर्टी वहाँ दूर रास्ते से दिखी। तो मैंने सोचा कि चल के भाई देखा जाए, इनसे बात किया जाए। तो मैं यहाँ पर आया और इनसे बात कर पता चला कि यहाँ रूम्स अवेलेबल हैं। तो हमने अपना स्टे कल यहाँ बुक कर लिया था, क्योंकि ये है इतनी अच्छी सुंदर सी प्रॉपर्टी है ना यहाँ पर। इसको इसका नाम है जोस्टल। तो बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है और हम अभी इसके रूफ टॉप पर हैं। और भाई रूफ टॉप पर जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी हुई है ना, बहुत ही अमेजिंग। आप मेरे देख सकते हैं, ये देखिए कितना मस्त यहाँ बैठने बनाया हुआ। आप बैठ के हैंग आउट कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। बहुत ही खूबसूरत है। चले पहले चलता हूँ बाहर। मैं इस वाले रूम में अंदर था और इधर तो भाई अल्टीमेटली बनाया हुआ ब्यूटी। ये देखिए ये कौन है? हेलो, ये हमारे शक्ति भाई है। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। इनको पहचानते हैं, ये है ट्रैवलिंग मंडेज। तो ये भी यहाँ पर हमारे साथ अभी स्टे कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। तो ये हमारे शक्ति भाई है। आप कब से यहाँ पर हो? मैं 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से यहाँ पर हिमाचल में हो गया। हिमाचल में यहाँ पर कब आए? यहाँ पे हो गए मुझे 4 से 5 दिन। हम लोग कल ही आपको और अभी बस यहाँ पे बैठ के एडिटिंग चल रही है। और अभी मैं सिक्किम एडिट कर रहा हूँ, जो मैं मार्च में गया था। मार्च में सिक्किम गया था, वो देखा था मैंने। अभी वो मैं एडिट कर रहा हूँ दार्जिलिंग। ये क्या है भाई? यहाँ पे तो 15 दिन में शानगढ़ निकल जाएंगे हम लोग। ब्यूटीफुल जगह है, बहुत खूबसूरत। ये प्रॉपर्टी बहुत अंडररेटेड है। हम लोग पहले पीछे हम उससे देख रहे थे, फिर मैंने सोचा कि चलो आगे जाके देखा जाए। मुझे ये वहाँ से दिखा रहा था। हाँ, बाइक घुमा यहाँ पर आया तो बात पर देखा है अवेलेबल है कमरा है यहाँ पे। अभी ये ऑनलाइन नहीं गई प्रॉपर्टी, बट स्टिल इट इज़ वेरी अंडररेटेड। और आने वाले टाइम में बहुत बूम होने वाली, बहुत बूम, बहुत से मतलब लोकेशन वाइज बहुत अच्छी है। सामने वो फील्ड भी दिख रहा है और बहुत बढ़िया है यहाँ पर। बहुत बहुत अमेजिंग। ब्रेकफास्ट कर लिया? ब्रेकफास्ट सब करूँगा, अभी मैं एडिटिंग कर रहा था। अच्छा, थोड़ा वीडियोस देख रहा था, म्यूजिक सुन रहा था। अच्छा, यहाँ नेट काम कर रहा था? हाँ, जियो का थोड़ा पंगा है, एयरटेल सही काम कर रहा है। जियो अच्छा काम कर रहा है, जियो सही चल रहा था। मेरा जियो ठीक नहीं चल रहा, दोनों सही है। दोनों सही है, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। यहाँ आपसे मुलाकात समझ में थे सोलिंग साहब से मुलाकात यहाँ हो जाएगी? अरे नहीं, माय प्लेजर। रात को बस उन्होंने आवाज में कौन किसने आवाज लगाई मुझे रात को आपको मिल लेता रात को जब मैं तो सुबह देखा इनको जब डिनर कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग लेट आए ना थोड़ा? हाँ, मैं तो लेट आया, मिडिल में रख गए। चलो ब्लॉग, बाय बाय ब्लॉग, बाय बाय ब्लॉग, बाय बाय ब्लॉग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, देख सकते हैं मैं उस कमरे में था, मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ अभी। तो कितनी सारी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं आपको बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आप बैठ सकते हैं यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये वाला आप यहाँ पर झूल सकते हैं ऐसे ऐसे और मज़े कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी आप बना हुआ है, यहाँ पर बीन बैग रखे हुए हैं। ये एक झूला है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है। एक और बीन बैग है यहाँ पर गेम खेलने के लिए। आपको सारे चीज़ रखे हुए हैं, टेबल चेयर, यहाँ पर स्क्रैम्बलर रखा हुआ है, एक स्क्रैम्बल। यहाँ बाइसाइकिल है, इसको चला तो नहीं सकते, यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन बैठ कर फोटो कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर ये कीबोर्ड वगैरह है, अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो म्यूज़िक बजाइए। तो अभी चलता हूँ अंदर, थोड़ी फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं हम लोग अपनी, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ जी, ये देखो ये भाई साहब क्या मजे कर रहे हैं बैठ के। भाई मैं तो बोल रहा हूँ एक दिन स्टे करते हैं, मैं मेरा तो पूरा मन है, मेरा तो पूरा मन है स्टे करने का यहाँ पर।
सो गाइस ये है हमारा कमरा जहाँ हमने कल अपना स्टे लिया था। तो ये देख सकते हैं ये बस मस्त सा बेड है हमारा, बहुत खूबसूरत सा, लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, यहाँ पर्दे वर्दे काफ़ी खूबसूरत लगे हुए हैं और कबर्ड भी लगा हुआ है, हम सामान रख सकते हैं अपना। और ये हमारा था वॉशरूम, काफ़ी बड़ा है और कमरे से व्यू है वो बहुत अच्छा है, सामने देख सकते हैं पहाड़ी है और ये अमेजिंग सा व्यू हमारे कमरे की बालकनी से है। ये यहाँ का बालकनी है, हमने बाइक के सामने लगा दी थी, पार्किंग की कोई दिक्कत यहाँ है नहीं, सामने कार लगी हुई है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। डिटेल्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ आइए अपना स्टे एंजॉय करिए। सो गाइस लीजिए हम पहुँच चुके हैं हमारे उस स्पॉट पे जहाँ सारे दोस्त हमारे वेट कर रहे थे, और ये जो स्पॉट है इसी स्पॉट के लिए शानगढ़ फेमस है। तो मेरे सामने जो व्यू है ना भाई, पहाड़ों में ऐसी जगह देखना बहुत ही अचंभित सा हो रहा है, क्योंकि ऐसी जगह पहाड़ों में मिलना बहुत ही टफ है। आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट सा मैदान है, उस वहाँ नीचे एक मंदिर भी है और पीछे भी हमारे कुछ बना हुआ है मंदिर जैसा ही। भाई तो देख लो हमारा इंडिया कितना खूबसूरत है भाई, आपको इंडिया के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार, इंडिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं, तब इंडिया के बाहर जाके क्या करोगे। देख लो क्या मस्त है ना, इनक्रेडिबल इंडिया मैन, क्या ब्यूटी है यहाँ की। सो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के एंट्री गेट की तरफ, ये है मंदिर का सामने का हिस्सा जहाँ से मंदिर के अंदर जा सकते हैं हम, और ये सामने का जो हिस्सा है ऊपर का है, बाकी बोल सकते हैं पूरी की पूरी जो मंदिर है ना वो लकड़ी की बनी हुई है। आपको मैं दिखाता थोड़ा पास से, लकड़ी और पत्थर से इसके पूरे दीवार बने हुए, सामने तो पूरा पूरा लकड़ी ही है, वहाँ सामने पत्थर भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे लकड़ी का बना हुआ है और यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है, तो लकड़ी पत्थर से पूरा इस मंदिर को बनाया गया है, सामने देख सकते हैं आप। और इसकी जो सामने की जो नक्काशी है ना भाई साहब, वो अल्टीमेट है। ये देखिए आप, सब भगवानों के रूप यहाँ बने हुए हैं, कृष्ण भगवान के सारे जितने रूप हैं वो यहाँ बने हुए हैं मैक्सिमम। और भाई ये सामने की जो नक्काशी है वो सबसे अल्टीमेट हमें लगी, इसे देख सकते हैं आप कि लकड़ी में कैसे नक्काशी करके भगवानों को बनाया गया है। ये देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो गाइस हम लोग इस मीडो के बिल्कुल इस तरफ आ चुके हैं, हम लोग उस तरफ आए थे तो पूरा मीडो वॉक करके हम मीडो को इस तरफ आ चुके हैं, और हमारे पास यहाँ पर सामने में बहुत ही सुंदर सा एक टेम्पल है, देख सकते हैं ये कितना सुंदर टेम्पल है, ये काफ़ी पुराना है, यहाँ की हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता और कोई है भी नहीं है जिससे पूछूँ इसके बारे में। और यहाँ बहुत सारे गाय घास चर रही हैं, और यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है ना वो काफ़ी अद्भुत है, बहुत मस्त, क्या खूबसूरत लग रहा है ना ये टेम्पल। यहाँ पर बिल्कुल मीडो के इस तरफ था ये, और यहाँ से जो सामने का व्यू आ रहा है ना वो काफ़ी अमेजिंग है, आपको दिखाता हूँ मैं एक मिनट यहाँ से। ये देखिए यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना वो भाई साहब खतरनाक आ रहा है, बहुत अमेजिंग।
हाँ तो दोस्तों, आपको ड्रोन शॉट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। बहुत ही अमेजिंग जगह थी ये मीडो, बहुत ही अमेजिंग, मतलब पहाड़ के बीच में ऐसा जगह मिलना भाई किस्मत वाली बात होती है। तो ये जगह थी शानगढ़, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर। अच्छा होता अगर हम यहाँ पर एक दो दिन और स्टे कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली हमें आज निकलना पड़ रहा है यहाँ से। वैसे अब हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है वापस हमारे घर के लिए। जी हाँ, तो आज हमारा ये लास्ट एपिसोड है स्पीति राइड का, हम वापस अपने घर को जा रहे हैं। तो अभी पहले हम जाएंगे यहाँ से, पहले कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे।